हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का सिप्पू क्लासेज एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 12 अप्रैल 2023 के मुख्य करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, देश में अब कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं? तो फ्रेंड्स, 6। अब देश में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जो कि है आम आदमी पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब केवल 6 ही राष्ट्रीय पार्टियां बची है। हाल ही में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है और एनसीपी, ममता बनर्जी की ईटीएमसी, तृणमूल कांग्रेस और सीपीआई से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए निम्नलिखित कंडीशन होनी चाहिए। कोई भी पार्टी यदि 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा हासिल कर लेती है तो राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है, या फिर 4 राज्यों में पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% वोट हासिल करें और साथ ही लोकसभा में 4 सदस्य जिताने में कामयाब हो तो भी वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है। कोई पार्टी लोकसभा में 2% सीटें जीतने में कामयाब रहे और पार्टी को कम से कम 3 राज्यों में सीटें जीतने में कामयाबी मिले तो भी वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहां पर तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी युगांडा की यात्रा पर गए हुए हैं, वहीं पर उन्होंने तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्टिंग इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो फ्रेंड्स, नंदिनी दास जी ने कार्टिंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शतरंज आर्मेगेडन एशिया व ओसिनिया इवेंट का टाइटल किसने जीता? तो डी गुकेश ने यह टाइटल अपने नाम किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोप इंडिया 2023 अभ्यास भारत और किस देश की वायुसेना के बीच हुआ है, होगा या हो रहा है? तो भारत और अमेरिका के बीच कोप इंडिया 2023 का युद्धाभ्यास हो रहा है। यह आगरा में होगा, पानागढ़ में और कलाईकुंडा पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के डोंगरी संस्करण के पहले एडिशन को किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में हमारे भारतीय संविधान को का डोंगरी संस्करण लॉन्च किया गया है, जो हमारे कानून मंत्री किरण रिजिजू द्वारा लॉन्च किया गया है। फ्रेंड्स, अब हम कुछ डिस्कस करेंगे हरियाणा के मुख्य करंट अफेयर्स। हाल ही में सीएम मनोहर लाल ने कहां पर महात्मा ज्योतिबा फुले चौक का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में ज्योतिबा फुले जयंती के अवसर पर सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने महात्मा ज्योतिबा फुले चौक का उद्घाटन कुरुक्षेत्र में किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू किसे बनाया गया है? तो हाल ही में फ्रेंड राजेश फुल्लर जी को हरियाणा के फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू बनाया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कितने गांव डार्क जोन में है? तो फ्रेंड्स, 1948 गांव हरियाणा के डार्क जोन में है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ अन्य करंट अफेयर्स के साथ। तब के लिए थैंक यू।